गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, सम मिक्स प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, लास्ट लेक्चर पर आ चुके हैं। आज हमें सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसे कहते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। ये हमारा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। आज के लेक्चर के 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल करने जा रही हूं, 2 क्वेश्चन सिंपल और 1 क्वेश्चन आसान करने जा रही हूं। राइट साइड जो क्वेश्चन लिखा है वो बहुत ही आसान है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरफ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूं। एक्स रूट अंडर दिस वन प्लस वाई रूट अंडर दिस वन, मुझे डीवाई अपॉन डी एक्स ये चाहिए, डीवाई अपॉन डी एक्स ये चाहिए। इसका मतलब वाई में सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए, वाई में सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए, तभी तो डीवाई अपॉन डी एक्स ये चाहिए। तो मैं इसे अरेंज कर देती हूं। आप बिना अरेंज किए डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स कुछ आएगा और वो सही भी होगा, लेकिन ये नहीं आएगा। और एग्जामिनर चाहता है ये लाना, यानी इसमें सिर्फ एक्स है। मैं इन जनरल करूंगी तो उसमें एक्स एंड वाई बोथ होगा। अरेंज करके दिखा देती हूं। एक्स रूट अंडर वन प्लस वाई माइनस वाई रूट अंडर वन प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूंगी मैं। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। हमारा एक ही मकसद है कि वाई में सिर्फ एक्स टाइप का फंक्शन रहे, सो दैट डिफरेंशिएट करके भी सिर्फ वन साइडेड फंक्शन आए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां एक्स वाई वाई माइनस एक्स, इसे और इसे कैंसल आउट कर दिया। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, वाई मैं इस टर्म को इस तरफ ले आई और एक्स को मैं दूसरी तरफ ले गई। अब धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, वाई को एक तरफ करना है, वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और अब देखेंगे इस वाई की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब यहीं तक इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन पे मैंने VVI क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड के द्वारा 4 से 5 बार पूछा गया है, स्टेट बोर्ड के द्वारा भी 2 बार पूछा गया। बहुत ही ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाई को अरेंज करके एक्स के रूप में आ गया, इसका मतलब अब मैं जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगी, वाई का डेरिवेटिव dy by dx माइनस कॉमन u अपॉन भी u कॉपी, इस भी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये भी कॉपी,
इस यू का डिफरेंसिएशन वन होल डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर। क्या रिजल्ट आने वाला है? एक्स माइनस वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस आ गया, लाना तो था माइनस, तो क्यों प्लस आ गया? एक बार हमें क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। ये डिवीजन रूल उल्टा लगा दिया। वी कॉपी यू डिफरेंसिएशन होना था, तो यहीं पे इसी वजह से माइनस का इश्यू हो गया। तो दोबारा से समझ लेते हैं। डिवीजन रूल कहता है वी कॉपी यू डिफरेंसिएशन एक्स का वन, क्योंकि मैं ये माइनस तो बाहर निकाल चुकी थी, माइनस यू कॉपी इस भी का डिफरेंसिएशन वन डिवाइडेड बाय भी का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं एक्स एंड एक्स कैंसल्ड आउट, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्रूफ करना था डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन, और हमारा यही प्रूव हो गया। आपने अभी क्या देखा कि हम लोग सब कुछ सही किए, डिवीजन रूल आज तक एक लाख बार लगा चुकी होंगी, लेकिन अभी इसे यहां लगाने पर मैं अपर कॉपी लोअर डिफरेंशिएट कर दी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन की कमी की वजह से होता है, जो आप बच्चे को नहीं करना है, यानी कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई वन। इस बार कोई कंडीशन नहीं है कि एक्स के रूप में निकालना है, वाई के रूप में निकालना है, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर ये पुट कर देना है। तो मैं कर लेती हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स का वन बंडल रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, और इस वाई का डिफरेंशिएशन यानी बंडल का डिफरेंशिएशन वन के जगह जीरो। इसे मैं यहीं रहने देती हूं, और ये आ चुका माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स। टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड आउट, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये रूट वाई और ये रूट एक्स। वैसे तो आंसर यही हो जाता अपना, लेकिन यहां हमें वैल्यू पुट करनी है। यहां मुझसे कहा जा रहा है एक्स के जगह वन बाई फोर, वाई के जगह वन बाई फोर। ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस रूट अंडर वाई, वाई के जगह वन बाई फोर अपॉन रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह वन बाई फोर। हमारा ये वन बाई फोर कट गया, माइनस रूट वन, इट मींस माइनस वन मेरा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? माइनस वन तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। अभी चेक कर लेते हैं। अपनी गलती कुछ भी नहीं थी, क्वेश्चन ही रॉन्ग था। क्वेश्चन में ऐसा था, हमने जो सॉल्व किया परफेक्टली सही था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो यहां बी ऑप्शन ट्रू हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन अभी करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी टिपिकल क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन
मालूम नहीं कितने बार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पैटर्न के दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला यहां कॉस और यहां भी कॉस, सिमिलरली साइन और साइन लिखकर बनता है। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक मैं बताऊंगी, ये एनसीईआरटी का है इसलिए मैं बताऊंगी, और एक क्वेश्चन आपको ट्राई लेना है, समझना है। कॉस स्क्वायर है ना, इसे इस प्रकार से समझना है, एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, ये वाला टर्म नीचे, ये वाला टर्म नीचे डिवाइड में चला गया, इस एक्स की वैल्यू कॉस वाई अपॉन ये पूरा का पूरा। अब चाहिए कॉस स्क्वायर, यानी डिवीजन रूल में ही होल स्क्वायर आता है। डिवीजन रूल क्या होता है, भी कॉपी यू डिफरेंशिएट माइनस यू कॉपी भी डिफरेंशिएट होल डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर। तो भी का स्क्वायर तो यहां है ही, मैं यहां क्या करूंगी, इस बार डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, यू अपॉन भी, मैंने किया भी को कॉपी, यू को डिफरेंशिएट माइनस यू को कॉपी, भी को डिफरेंशिएट होल डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर। अब समझ लेते हैं इसे अच्छे से, dx अपॉन dy माइनस माइनस प्लस, पहले लास्ट वाले टर्म को मैंने लिख लिया, माइनस माइनस प्लस दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस। अगर बहुत अच्छे से आप देख लीजिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या ये फॉर्मूला यहां कंप्लीटली एप्लीकेबल है, डीएक्स अपॉन डी वाई, ए के जगह ये, बी के जगह ये वाई, तो इसे इस पूरे के बदले लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, ए के जगह ऐसा माइनस बी अब देख लीजिए क्या लोअर पार्ट दिख रहा है, हां दिख रहा है। अब मैंने इसे कट कर दिया, अब इसका लास्ट करने जा रहे हैं, dx अपॉन dy आ गया साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, लेकिन मुझसे dx अपॉन dy नहीं पूछा है, मुझसे dy अपॉन dx पूछा है। इस टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल dx अपॉन dy का, जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे, हम देख सकते हैं कि जो हमारी नीड थी, जो हमारी जरूरत थी वो आ चुका, प्रूफ दैट dy अपॉन dx इक्वल टू दिस वन, हमारा प्रूव हो चुका। जो चाहिए था cos square upon this one, cos square upon this one, dy upon dx आ चुका, यही हमें लाना था। अब आपके लिए थोड़ा बेहतर मोड में होमवर्क क्वेश्चन, आप बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम होमवर्क डन, या कमेंट करेंगे मैम होमवर्क क्वेश्चन नहीं बना, डाउट में बता दीजिए,
मैं आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन डाउट में बता दूंगी, क्योंकि आज का लेक्चर पूरे डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास है। अगले दिन से हम लोग नए यूनिट में एंटर कर जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन टिपिकल डबल या ट्रिपल स्टार मार्क, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे अनुसार एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे करवाऊंगी जरूर। सबसे पहले दिया हुआ है x माइनस ए का स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन वन मान लेती हूं। dy बाई डी एक्स भी चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। मैं करके बताती हूं। सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेती हूं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y और इस y का dy बाई डी एक्स। यहां इस कांस्टेंट का 0, 2 कॉमन लेके 0 के साइड भेज दिया, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया और 0 के साइड भेज दिया, और अब y माइनस बी dy अपॉन डी एक्स, ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ दिस वन, और यहां देखेंगे dy अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ दिस वन। इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स चाहिए। अब हमें डबल डेरिवेटिव की बात करनी है। डबल डेरिवेटिव, ये नीचे का लाइन एक बार आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। अब आगे समझते हैं। अब आगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, एक बार और डिफ्रेंशिएट। अच्छे से देखिए, क्योंकि मुझे मिटाकर बनाना पड़ सकता है, जगह कम पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर डिविजन रूल लगाने जा रही हूं, u अपॉन भी भी कॉपी u डिफरेंशिएट माइनस u कॉपी भी डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय भी का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे dy बाई डी एक्स आ गया, तो इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करनी होगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट करना होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर y माइनस बी एक्स माइनस ए। बच गया यहां dy अपॉन dx माइनस ऑफ दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ दिस वन होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेती हूं मैं, दिस इंटू दिस होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और ये पावर वन, ये होल स्क्वायर और ये पावर वन, ये हो गया क्यूब। थोड़ा गौर से देखिए, बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, ये टिपिकल क्यों है, इसकी वैल्यू इक्वेशन वन से सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, आ गया हमारा 3। अब इन तीनों से हम लोग
जो लाना है उसकी बात करेंगे। क्या लाना है देख लेते हैं। हमारा dy by dx आ गया, d2y by dx आ गया। अब हम लोग पुट करके देख लेते हैं LHS के रूप में। वैसे तो LHS नहीं है, हम लिख सकते हैं यहां नाउ क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 1 प्लस dy by dx को y डैश लिख लेती हूं, जगह की कमी के कारण 3 by 2 होल डिवाइडेड by y डबल डैश। 1 प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस x माइनस a अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश। वाई डबल डैश हो गया माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मैं एलसीएम लूंगी न्यूमरेटर में, मैं यहां एलसीएम ले लेती हूं, इसका होल स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होल पावर 3/2, ये होल पावर 3/2, तो यहां भी हो गया होल। एक मिनट में इसको मिटा के थोड़ा बढ़िया से लिख लेती हूं। ये क्या आ गया इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इंटू वन प्लस इसका स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर टू होल टू दी पार होल टू दी पार 3/2 होल डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब आप देखिएगा यहां स्पेस का कमी है, इसलिए मैं इसे मिटाऊंगी। हमारा इक्वेशन वन क्या था, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर को सी स्क्वायर लिखेंगे। सी स्क्वायर एक मिनट सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, लास्ट स्टेप चल रहा है, वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू दी पार 3/2 डिवाइडेड बाई को मैं इंटू में कर लेती हूं, ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर स्क्वायर और क्यूब कैंसल्ड आउट, सी का क्यूब वाई माइनस बी का होल क्यूब इंटू माइनस वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर आ गया माइनस सी। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट दिस वन इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो हम लिखेंगे माइनस सी विच इज कॉन्स्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट है और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये हमारा कॉन्स्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या इसमें ए और बी है, तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्स्टेंट है और फ्री फ्रॉम ए एंड बी है। इसका मतलब इसमें ना तो ए है और ना ही बी है। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट प्रत्येक टॉपिक को कवर अप कर लिया है। मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन ओवर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पलटेंगे तो उसके लास्ट में एक टॉपिक है रॉल्स थ्योरम एंड लेग्रैंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों थ्योरम का एक कॉमन नेम है मीन वैल्यू थ्योरम। मेरे अनुसार ये टॉपिक
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा डिफरेंशिएट दिस वन, फाइंड डीवाई बाई डीएक्स, लेकिन रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम में ये बातें नहीं है। इसलिए मैं उस टॉपिक को पढ़ाना चाहती हूं, ए ओ डी, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अगर आप बच्चे क्या चाहते हैं, आपकी क्या चॉइस है, कमेंट करिएगा। तीन बातें आपको कमेंट करनी है। पहला, क्या डिफरेंशिएशन आप अच्छे से सीख गए? आपको कमेंट करना है, यस मैम मैंने कंप्लीट डिफरेंशिएशन होमवर्क भी कर लिया, क्लास नोट्स भी प्रिपेयर हो गया और मैं सीख भी गया। अगर आपसे नहीं हो पाया तो आप अपनी अपनी बात जो हुई है उसे लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, मैम मैं क्लास नोट्स तो प्रिपेयर कर लिया, होमवर्क आधा अधूरा बना। क्या आप बच्चे टेस्ट भी दे चुके? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन के ऊपर अब तगड़ा कमांड हो चुका है? तीसरा सवाल, नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको कब से चाहिए? कल से ही मैं स्टार्ट कर दूं अपने रूटीन के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार, जैसे मैं अल्टरनेट पढ़ाती आ रही हूं, या कुछ दिन का ब्रेक चाहिए? आप कमेंट करेंगे, मैं उसी को फॉलो करूंगी और उसी के अनुसार काम करूंगी। एक तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगला यूनिट वर्ड प्रॉब्लम है। उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए उसके क्वेश्चन लिखने में ही तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। उसके लिए एनसीईआरटी आपको साथ में रखना पड़ेगा, जरूर से जरूर, हर हाल में। एनसीईआरटी अगर आप साथ में रखते हैं तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी। इसलिए आप में से सभी बच्चे एनसीईआरटी जरूर से जरूर रखें। आज क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन था इसलिए कोई वर्क नहीं है। आज आपके लिए मैं वर्क दे रही हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शुरू से लास्ट एक बार बना लीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, एमटीजी या कोई भी पब्लिकेशन की बुक, या एनसीईआरटी खुद पब्लिश करती है उस बुक से। अगर आपके पास एग्जाम्पलर नहीं है तो एनसीईआरटी बुक उठाइए और डिफरेंशिएशन शुरू से लेके लास्ट कर लीजिए, लेकिन पूरा का पूरा कर लीजिए। सो दैट कि जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करें तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के लर्न रहे, ब्रेन में स्टोर रहे, हम लोग तब अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और लास्ट, आपको डिफरेंशिएशन ओवरऑल मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? आप अगले चैप्टर से उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ क्वेश्चन और चाहते हैं, इजी लेवल क्वेश्चन और चाहते हैं, हायर लेवल क्वेश्चन और चाहते हैं, जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।